नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते ही खबर की ओर आपको बता दें कि जहां पर एक स्कूल में ही 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक लगभग 15 से 20 का हालात अभी भी ठीक नहीं है। यहां पर स्कूल में भी पुलिस प्रशासन तैनात कर दी गई है। खबर बिहार के बक्सर से निकल कर आ रही है, जहाँ पर नवोदय विद्यालय में वर्चस्व को लेकर 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक काफी ज्यादा डंडे और ईंट पत्थर बरसे, यहां तक की फायरिंग भी हो गई। अभी अभी की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल फिलहाल बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन की ओर से 10 से 12 स्टूडेंट्स को अभी फिलहाल 10 से 15 दिन के लिए घर भेज दिया है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनाक्रम शनिवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। नवानगर और वासुदेवा थाने पुलिस रात 12 बजे से ही कैंप कर रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों में किस लेकर विवाद हुआ था, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। 15 दिन पहले विद्यालय में छात्रों के बीच गहमागहमी का माहौल देख स्कूल मैनेजमेंट ने 12वीं के 5 और 11वीं के 10 क्लास के छात्रों को 10 दिन के लिए घर भेजा गया था। छात्रों द्वारा बॉन्ड भी बना लिया गया। इसके बाद वापस फिर आए और फिर स्कूल में उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। इस बीच ये मामला गर्मा गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।